विधानसभा घेराव के दौरान झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, नीतियों को जबरन थोप रही है राज्य सरकार। एयर इंडिया ने आज हैदराबाद से लंदन के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की। अब राजस्थान में होगा ग्रामीण ओलंपिक, खिलाड़ियों को दर्शाने के लिए 14 नवंबर से शुरू होगा आयोजन, मोबाइल ऐप से होगा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। यात्रियों की बढ़ती मांग पर रेलवे ने जयपुर लखनऊ स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े। IRCTC ने लॉन्च किया भारत का पहला लग्जरी क्रूज लाइनर, 18 सितंबर से सेवाएं शुरू, बुकिंग ओपन। यून से ब्लैकलिस्टेड हैं तालिबान सरकार के 14 मंत्री, कई पर नरसंहार कराने के आरोप। केरला में 30,000 नए कोविड केसेस, 181 जाने गई हैं पिछले 24 घंटे में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं उम्मीद करूंगा कि तालिबान हर किसी से इंसाफ करेंगे, इस्लामी उसूलों पर अच्छी सरकार चलाएंगे। दिल्ली में सार्वजनिक रूप से गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने पर रोक, नहीं बनेगा पंडाल न लगेगा मेला। तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार गठन किया है और बताया कि अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात है।